हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग से। एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था और यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। बट ये बारिश बहुत ही थोड़ी देर के लिए आई थी, मुश्किल से 10 मिनट ही मुश्किल से हुई होगी ये बारिश और फिर निकल गई थी। तो फिर उसके बाद सारा दिन बहुत धूप थी, तो मैंने ये तो ठंडा वाला मौसम जो है वो कैप्चर कर ही लिया है। उसके बाद सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। देखिए, अब आप देख सकते हैं धूप आ चुकी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे उठाया है नारियल पानी, पीना स्टार्ट किया है। सुबह सुबह खाली पेट नारियल पानी पीती हूँ मैं, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने व्लॉग्स में। सो बस यहाँ पे मैं अपना नारियल पानी इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद इधर पीहू भी आ गई हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं। उसने बोला मम्मा मैं भी नारियल पानी पीऊँगी, फिर मैंने उसको भी थोड़ा सा नारियल पानी दे दिया था। तो हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, अपना मॉर्निंग टाइम इंजॉय कर रहे हैं एंड सन बाथ भी आप बोल सकते हैं ले रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे वर्मा जी मेरे लिए एप्पल कट कर रहे थे, तो वो आजकल इस तरह से मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो चलिए एप्पल इंजॉय करते हैं। ये जो आप पील कर रहे हैं ना, अभी कमेंट आएगा कि पील करके नहीं खाना चाहिए एप्पल। देखो पहले है ना, मैं बिना पील किए हुए खाता था, मेरा भी रिकमेंडेशन ये रहता था, बट फिर बाद में मेरे को पता चला कि इसमें आर्टिफिशियल कलर्स लगाते हैं छिलके में और वैक्स भी लगाते हैं, और जो साड़ी वाला रंग होता है ना, साड़ी वाला कलर वो लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया। इसको मतलब खा के भी मेरे को ऐसा लगता है जैसे पेट में दर्द टाइप हो रहा है, और इसमें वैक्स भी होता है आपको पता है। हाँ, सबसे ऊपर वैक्स होता है, तो उसको तो गर्मियों में तो पिघल जाता है। वॉश पहले तो साड़ी का कलर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर वैक्स लगाते हैं ऐसा। अभी तो दो, तो अभी यहाँ पे वर्मा जी हमको फ्रूट्स खिलाने जा रहे हैं। पीयू को आम खाना है। तो देखिए किस तरह से वर्मा जी आजकल मेरा ख्याल रख रहे हैं, वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सैटरडे है तो मैं बनाती हूँ ज़्यादातर चने, आपको पता ही है। और अभी भारती दीदी नहीं आई हैं, तो बर्तन पड़े हुए हैं, जब वो आएंगी तो वो क्लीन करेंगी। चने को यहाँ पे मैं मसाला चना ही बना रही हूँ। दूध भी रखा है बॉयल करने के लिए, सुबह ही हमारे घर में दूध आ जाता है। सो दूध वाले भैया जो हैं वो आते हैं, बाहर देख के चले जाते हैं, नारियल वाले भी आते हैं देख के चले जाते हैं। इस तरह से हमारा काम जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर मैं मसाला चना किस तरह से बना रही हूँ, देखिए थोड़ा सा ऑयल है, प्याज डाला है, कुछ ड्राई मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालती हूँ बाद में, ज़्यादा डाल दो तो बहुत तीखा हो जाता है, फिर पीहू नहीं खा पाती है। सो इस तरह से मसाला भून लूँगी, उसके बाद चने डाल करके उसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके सीटी लगा दूँगी इस तरह से। उसके बाद उसको फिर आप गार्निश करके टमाटर, प्याज, नींबू, जिस तरह से भी धनिया डाल के बाद में खा सकते हैं उस तरह से आप चने खाइए। काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है एंड इसमें काफ़ी प्रोटीन भी होता है, तो मुझे तो डॉक्टर ने बोला ही है प्रोटीन खाने के लिए, तो इस तरह से मैं चने भी खाती हूँ। थोड़े से चने बचा देती हूँ, उसको मैं बाद में नींबू, नमक, मिर्च डाल करके भी खाती हूँ, मतलब कच्चे चने भी मैं इस तरह से भीगे हुए चने खाती हूँ। तो सीटी लगने को मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े भी लगा दिए हैं धुलने के लिए। इसमें पीहू का पी यूनिफॉर्म वगैरह भी है, मंडे को फिर उसको पहन के जाना है। अभी मैं नहा करके आ चुकी हूँ, भगवान का दिया जला दिया है, पूजा कर ली है, जल चढ़ा दिया है, तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैंने कुकर खोला और पीहू को मैंने दे दिया है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसका पानी जो है वो सुखा दिया था। अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है एंड अब मैं नाश्ता करूँगी। सुबह का जो नारियल पानी और फ्रूट्स वगैरह था वो मेरा हो गया है। अभी मैं यहाँ पर चने खाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है और थोड़ा सा नींबू एंड चाट मसाला। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर अपना नाश्ता करने के लिए। कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा ईमेल चेक कर रहा था अपने ऑफिस के। और ये क्या रखा है? ये है डिसानो ब्रांड का कोकोनट वाटर। जैसे कि तुम तो अपने घर पे टैंडर्ड कोकोनट का जो पानी है वो पी लेती हो, बट मेरे को ऑफिस में नहीं मिल पाता, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस। जो ऑफिस बॉयज हैं या फिर जो घर पे भी रहते हैं उनके लिए इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ये 50 रुपये के पैक में इन्होंने भर के दे दिया बॉटल में कोकोनट वाटर,
एंड ये 6 के पैक में अवेलेबल है और अमेजोन से आप मंगवा सकते हैं। अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, कोई भी फ्लेवर नहीं है और टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका। एक टेंडर कोकोनट का टेस्ट जैसा होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे 6 का पैक मंगा लिया तो 6 दिन का काम हो गया आपको। बार बार नारियल पानी वाले के पास नहीं जाना है, नारियल कटवाने हैं, वो बहुत झंझट रहता है नारियल कटवाना एंड टू हैंडल दिस नारियल। तो सही है, अब आप कल से इसको ऑफिस लेके जाएंगे। आपको लेके जाना है तो आप इतना बड़ा नारियल नहीं लेके जा सकते, आप छोटा सा ही रख लिया एंड नारियल पानी के सारे गुण आपको मिल गए। अरे वाह। इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट और नारियल पानी के गुण तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो की आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देते। चलिए सही है, तो आप एंजॉय करिए अपने कोकोनट वाटर को। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आप भी अगर आपको खरीदना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुलबुल डाल देंगे, तो मतलब मेरे को ही अच्छा लगता है, मैं मंगवाता हूँ तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड काफी अच्छी पैकिंग थी, बड़ी मुश्किल से खुली, तो गिरेगा नहीं ना, लीक नहीं होगा। हाँ। अब आप जब ऑफिस ले जाने के लिए मंग, हाँ हाँ, कैसा है टेस्ट? पहली बात तो बहुत ही टेस्टी है और एकदम जो स्वाद नारियल पानी का होना चाहिए वही है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है। चलो आप एंजॉय करो अपना कोकोनट वाटर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल ढोकली दल टिकिया। मैं तो दाल दल टिकिया बोलती हूँ, गुजराती में इसको दाल ढोकली बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल नमक हल्दी लेकर के रख दिया है पकने के लिए। तो अभी यहाँ पे फेना आने लगा है जो कि हमें निकाल करके फेंक देना है। इसी तरह सारा फेना हम निकाल लेंगे। यहाँ हमने ये निकाल दिया है, ये देखिए सारा फेना। तो अभी मैं बैठ करके यहाँ बेडरूम में और इसकी टिक्की बना रही हूँ जो दल टिकिया में डाली जाती है। और यहाँ पे पीहू को मैंने मोबाइल दे दिया था, तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिक्की बना लूँगी। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे शेप बनाना चाहते हैं। मैं तो गोल गोल बना लेती हूँ, छोटी छोटी सी पूड़ी टाइप की, और वही मैं इसमें पकते हुए दाल में डाल दूँगी। उसके बाद छौंक लगाया जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने के लिए। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग बनाते हैं क्या? तो मैंने यहाँ पे टिक्किया बना ली है, अब मैं जा रही हूँ किचन में वापस से, और हमारी दाल भी जो है वो पक ही चुकी होगी इतनी देर में। तो चलिए अब इसको चलते हैं, छोटी छोटी टिक्की जो बनाया है वो उसमें डालते जाएंगे, और दाल जब पक जाएगी तो फिर छौंक लगा करके अपनी दल टिक्किया इंजॉय करेंगे। तो आज यही हमारा सिंपल सा लंच होने वाला है। सो आप लोग भी कभी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, फुल मील है एक्चुअली, क्योंकि इसमें दाल भी है रोटी भी है। तो इस तरह से दल टिकिया जो है हमारी वो बन जाएगी। सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और पीहू मेरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही है बर्तन वगैरह सेट करने के लिए। वो इस तरह से मेरे साथ लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और बच्चों को ना इस तरह से इंगेज रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन वो पढ़ नहीं सकते, सारा दिन वो अकेले खेल नहीं सकते। तो इस तरह से कभी कभी मेरे साथ किचन में आ जाते हैं जब उसका मूड होता है। तो मेरी दल टिकिया यहाँ पक रही है, मैंने बर्तन भी सब सेट कर दिए हैं पीहू की हेल्प से। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी तो गिर ही जाता है ना, उसको मैं यहाँ पे वाइपर कर दे रही हूँ। और वर्मा जी अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, उनकी कॉल वगैरह बीच में आती रहती है तो वो उनका काम चलता रहता है। इस तरह से हमारा दिन भी चल रहा है, अभी आफ्टरनून का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह ना थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद और ज़्यादा गर्मी हो गई है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैंने सोचा मैं इसको क्या करती हूँ, एक रोटी बना के थोड़ी सी मोटी, मतलब बहुत पतली ना बना के थोड़ी सी मोटी रोटी बना दूंगी और उसको नाइफ की हेल्प से कट कर दूंगी, क्योंकि ना मुझे छोटी छोटी टिक्की बनाने में बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लग रहा था इसीलिए। तो मेरे से पीहू क्या कह रही थी कि मम्मा नन्नू को बुला लो ना टिक्की बनाने के लिए। एक्चुअली उसको याद आ गया था कि जब मम्मी थी तो वो इस तरह से टिक्की बनाती थी, उसने देखा था, तो इसीलिए वो कह रही थी मम्मा नन्नू को बुला लो ना टिक्की बनाने के लिए।
मशीन के पास होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ देसी घी गरम कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा क्या बोलते हैं जीरा और करी पत्ता है तो वो डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मेरे पास नहीं था। थोड़ी सी सरसों दाना और लाल वाली मिर्ची भी आप डाल सकती हैं, वो बहुत अच्छी लगती है खड़ी वाली। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च भी डालूंगी, मैं हींग डाल दिया है। सब चीज़ को जब अच्छे से पक जाएगा, गैस बंद कर दिया मैंने वरना जल जाता सब कुछ, और बस अब यहाँ पे लाल मिर्च डाल करके मैं इसको अपने कुकर में डाल दूंगी और इसका मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। तो हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म दाल टिकिया तैयार है लंच के लिए। इसको हम खाएंगे पापड़ और अचार के साथ, आप दही रायता जो खाते हैं वो ले सकते हैं। और ये एक सुपर यम्मी और बढ़िया सा लंच तैयार हो गया है। तो पापड़ फ्राई हो गए हैं, मतलब भुन गए हैं, एंड यहाँ पे हमारी दाल टिकिया जो है वो बन चुकी है, इसको हटा देते हैं। दाल टिकिया बनाया था खा करके, फिर मैं लेट गई थी और बहुत थकान थकान सी लग रही है। अभी सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा मखाना फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी जो है वो चढ़ा दिया है मैंने, एंड मखाना का पैकेट निकाला है, इधर एक मैंगो निकाला है मैंने, हेल्प वर्मा जी बोल रहे हैं मैंगो शेक बनाने को। चिया सीड्स भी मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं, वो बनाएंगे जैसे बनाते हैं वो, सो इसलिए भीग रहा है। चलो जब तक भी खाना फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मखाने हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। बहुत अच्छा लगता है, ये ड्राई स्नैक है और इसमें काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, तो आप लोग ज़रूर अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ये स्नैक है। तो मैं इसको फ्राई कर ली हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर रखने जा रही हूँ, मतलब निकालने जा रही हूँ किस में। ये मैंने नया अभी मंगाया है, अगारो का इम्पीरियल ग्लास कंटेनर विद सिलिकॉन स्लीव्स एंड विद लॉक लिड, 3-piece सेट है ये, एंड इसका जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है, ट्रांसपेरेंट है एंड माइक्रोवेव ये फ्रेंडली सेफ है। ये 360ml का, 440ml का एंड 150ml का है ब्लू कलर में। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शेप में एंड कितनी प्यारी क्वालिटी में ये आया हुआ है। मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास विच कैन विद स्टैंड टेम्परेचर अप टू 350°C। ये हर तरह के माइक्रोवेव एंड ओवन के लिए सूटेबल हैं, बट आप इसका लिड हटा सकते हैं और इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज ये लीक प्रूफ है, स्ट्रेच रेजिस्टेंट है एंड ये ट्रांसपेरेंट है, तो ऊपर से क्या रखा हुआ है आपको दिखाई भी देख जाएगा। एंड गाइज आइडल फॉर बेकिंग, स्टोरिंग एंड सर्विंग, सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो मखाना है वो भुन चुका है, फ्राई हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको स्टोर कर लेते हैं अपने इस न्यू कंटेनर, 370ml का है, और इसमें रख करके चलिए इसको इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसमें मैंने मखाना जो है वो निकाल के रखा है, ये एयर टाइट है, बहुत ही अच्छे से इसमें पैक हो जाएगा, बट अभी तो हम इसे खाएंगे, उसके बाद जो बचेगा तो फिर हम इसको रख सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अंदर बेडरूम में, मिस्टर वर्मा यहीं पे बैठे हुए थे और अब हम लोग यहाँ पे अपना मखाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद मखाना खाने के बाद यहाँ पे वर्मा जी आ गए थे मैंगो शेक बनाने के लिए, तो उन्होंने 2 आम कट किए हैं, मैंगो शेक बनाएंगे और वो मैंगो आइसक्रीम जो शेक बनाते हैं ना उस टाइप से बनाने वाले हैं। तो वही पहले सिंपल से ऐसे मैंगो शेक बना लेते हैं, जैसे चीनी एंड मिल्क डाल करके जो बनाते हैं, उसके बाद जब उसको वो गार्निश करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो
बनके तैयार है हमारा मैंगो शेक। अब इसमें हम डाल देंगे ये आइसक्रीम, आइसक्रीम के ऊपर चिया सीड्स, फिर यहाँ पे रोज़ सिरप एंड ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हैं वो आप डाल दीजिए। चिया सीड्स कोई एक बार मुझसे पूछ रहा था क्या होता है, यहाँ पे इसको सब्जा बोला जाता है, हम लोग चिया सीड्स बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, अगर आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है चिया सीड। तो बस यहाँ पे देखिए तैयार है हमारा ठंडा ठंडा मैंगो आइसक्रीम मिल्क शेक। चलिए इसको एंजॉय करते हैं, वर्मा जी ने बनाया है। आओ बोलिए अंदर आओ। तो अभी हम लोग पी रहे हैं मैंगो आइसक्रीम शेक जो कि मिस्टर वर्मा जी। ओके गाइस, तो इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। आई होप आज के व्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, वर्मा जी का ख्याल रखना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा व्लॉग ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।